सचिन की बराबरी करेंगे कोहली, क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं। विराट कोहली वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में सचिन के एक अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। कोहली बुधवार को डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। इस टेस्ट में वेस्ट इंडीज के दिग्गज बैटर शिवनारायण चंद्रपाल के बेटे तेज नारायण भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कोहली पिता पुत्र के साथ खेलने वाले दूसरे इंडियन बन जाएंगे। इससे पहले सचिन तेंदुलकर पिता पुत्र के सामने खेल चुके हैं। तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के बाप बेटे की जोड़ी यानी जॉफ मार्श और उनके बेटे शॉन मार्श के खिलाफ खेल चुके हैं। सचिन ने साल 1992 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जॉफ मार्श के साथ मैच खेला था, जबकि 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके बेटे शॉन मार्श के खिलाफ वे मैदान में उतरे थे। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था टेस्ट डेब्यू। कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू साल 2011 में वेस्टइंडीज दौरे पर ही किया था। इस दौरे का पहला टेस्ट किंगस्टन के सबीना पार्क में 20 से 24 जून के बीच खेला गया था। कोहली भारतीय टीम के हिस्सा थे, जबकि वेस्टइंडीज टीम में शिव नारायण चंद्रपाल भी शामिल थे। डेब्यू मैच में कोहली ने पहली पारी में 4 रन और दूसरी पारी में 15 रन बनाए थे। वहीं शिव नारायण चंद्रपाल ने पहली पारी में 23 रन और दूसरी पारी में 30 रन बनाए थे। इस मैच को भारत ने 63 रनों से जीता था। कोहली ने इस टेस्ट में 49 रन की औसत से रन बनाए थे। विराट कोहली ने अब तक 109 टेस्ट मैचों में 48.473 की औसत से 8779 रन बना चुके हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 28 शतक और 28 अर्धशतक के साथ ही 7 डबल सेंचुरी लगाई है। तेज नारायण खेल चुके हैं 6 टेस्ट मैच। तेज नारायण ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान 45.30 की औसत से 453 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक भी लगाया था। विराट कोहली की टेस्ट का करियर 8579 रन है 109 मैचों में। दो दिन बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। 12 जुलाई से रोसो आइलैंड में पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज के साथ ही दोनों टीमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड 2023-25 का आगाज करेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की खबरें पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।